नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज परम, आई एम वर्मा, आई एम मंजू। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। सो गाइस, आवर टुडेस रिएक्शन इज ऑन डेडली सेंट्रल सीजन 1 एपिसोड नंबर 37। सो हमेशा की जैसे हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं ये नया एपिसोड देखने के लिए, क्योंकि ये नए एपिसोड में पता चलेगा कि बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा, एपिसोड नंबर 36, आई होप आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके प्लीज देखिए, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आई बटन में भी सारी वीडियोज दी हुई है, आप जाके जरूर व्यू कीजिए। एंड लास्ट एपिसोड में जैसे कि आपने देखा कि इर्तुल हलब गए थे, वो लैला और आयाजान से मिले, उनसे बात की, उन्हें पता चला कि नासिर जो है वो लड़ाना चाहता है तुर्कों को अयूबियों से, और सलाउद्दीन मतलब सबसे लड़वाना चाहते हैं, बीच में ही सबको लड़वाना चाहता है वो बंदा। और जो काय कबीले में कमांडर आया था ना सलेबियों का, सॉरी हलब वालों का कमांडर आया था, और वो बदतमीजी कर रहा था, बदतमीज से बात कर रहा है। अभी देख रहे हैं कि आगे क्या करेंगे सुलेमान शाह, वो सुलेमान शाह को बहुत ही गलत बोल रहा है, मतलब उसकी तो गर्दन उड़ानी चाहिए, इतना गलत बोल रहा है वो बंदा। और अभी देखने वाला सीन है कि अभी जो नासिर है वो हमला करेगा नहीं करेगा काय कबीले पे, और हालिमा की आज शादी भी होने वाली है शायद, शायद शादी होगी नहीं होगी वो भी पता नहीं है। और जो अपना क्या नाम है उसका, अरे वो बंदा यार क्या नाम है उसका, टाइटस का बंदा, हाँ पेट्रोशियो, वो पेट्रोशियो का क्या सीन है वो भी पता चलेगा। और वो पापा आजम बन गया है मुझे लगता है, वो जो लाल टोपी वाला बंदा था वो थॉमस, हाँ कार्डिनल थॉमस, वो भी बन गया है पापा आजम बन गया, इसलिए उसने अपना लिबास चेंज कर लिया है, अभी बड़ी टोपी पहन के आता है, बड़ी काली वाली टोपी। और अभी तुर्कुत के साथ क्या होगा, उसको कब छुड़वाएंगे, उसको और कितना टॉर्चर कर रहे हैं वो, उसको एकदम ही लत लगा दिया उन्होंने नशे की, तो भी देखना है कि आगे क्या होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर रिएक्शन वीडियो। मुझे घूर घूर के क्या देख रही हो, हाँ तुम भी अब
डेंजर है यार, कितने नाटक करती है भाई। सलजान, सलजान ठीक हो तुम? फिर भी देख फिकर कर रहा है। ये क्या हो गया उसे? अरे ये जानबूझ के कर रही है, पता ना देखो। ये फिर से लाल टोपी पहन के आ गया, अभी भी बड़ी टोपी पहन के आ गया। पता नहीं ये पापा यासिन बना है कि नहीं बना है।
क्या करते हैं ये कुछ सोच ही नहीं कुछ करने का क्या बकरी बहुत ही बेरहम बंदी है क्या बात है एथिक्स उसूल बहुत ज्यादा जरूरी है उनका लश्कर बहुत बड़ा और ताकतवर है हमें कोई और रास्ता निकालना चाहिए याद रखना जंगे जज्बा ईमान से जीती जाती है कुर्तुबर सही जी मैं समझ गया अगर समझ गए तो तुम्हें दुश्मन के लश्कर से मालूम होने के बजाय जंग के लिए हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं बाबा
playing chess with Petrosio. खाने के लिए नहीं कह रहा
बम्सी बम्सी बड़ा कॉमेडी है, चलते कैसे ऐसे ऐसे कर रहा था। तुम लोगों को पता ही नहीं था आपकी वजह से छोटे शहजादे को बचा लिया हमने और शहजादी से निकाह की राह भी हमवार हो गई। सब अल्लाह की मर्जी से हुआ है मेरे मौसम, अगर उसकी रजामंदी ना तो कुछ भी मुमकिन नहीं। बेशक लेकिन कमांडर को काई कबीले पर हमले से रोकना मेरे ख्याल में सही फैसला साबित नहीं हुआ। आने वाले दिनों में बाजी किसी भी सिमत पलट सकती है। उन्हें आखिरी मौका दिया है। तुम तो जानते हो मैं मुसलमान कबाइल के खिलाफ जंग करने से एहतियात बरतता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन लेकिन तुम तुर्कों से बातचीत करके इसका हल सोचो। कल शहजादी से मेरा निकाह है। माशाल्लाह। निकाह के बाद कुछ वक्त शिकार गांव में गुजारूंगा और कुछ वक्त अपनी शायरी को दूंगा। रियासती मामला थका देते हैं। वापस आने पर हम तुर्कों के साथ इस मामले को सुलझा लेंगे। जैसा आपका हुक्म अमीर मौसम। जिस तरह आपने ये जिम्मेदारियां संभाली हैं, अगर कोई और होता तो टूट चुका होता। अस्तग़फ़िरुल्लाह। टूट चुका होता। उसको झाड़ पे चढ़ा रहे चले गए। हाँ भाई इतना मत चढ़ो, गिरोगे तो बहुत पेन होगा तुमको। ये भी सड़क की तरफ पूछ कर देना। सज्जन खातून, उदास ना हो आप, अल्लाह आपको औलाद की खुशियां दिखाए। आमीन फातिमा, आमीन। क्या उदास ना हो तो है, जल्लाद जैसे बिहेव करती है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, औलाद का गम मुझसे ज्यादा बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। मंगोलों ने मेरे बीवी बच्चों को शहीद कर दिया था बहुत बेदर्दी से, इसलिए इसे मुझे हल से भागना चाहता हूं मैं। अल्लाह औलाद का गम न दिखाए किसी भी इंसान को, क्योंकि औलाद का गम कमर तोड़ कर रख देता है मां बाप की। यानी तुम किसी को मार कर उसके मां बाप को दुख नहीं दे सकते गुरदोगलो? बिल्कुल ऐसा ही है। मारा तो इसने ही। मैं तो कब्र में पैर रखा है बैठा हूं सज्जन खातून, खिदमत करना चाहता हूं अपने कबीले की, बंदूकों को हक दिलाना चाहता हूं, इसलिए सलीबियों से मदद लेने जा रहा हूं मैं। अगर वहां से मदद न मिली और हमारे अजीज के खिलाफ कुछ भी न कर सके तो सुलेमान शाह का, अर्तुरुल का और शाहबुद्दीन का जिंदा रहना मुश्किल कर दूंगा। उनकी अपने हाथों से जान लूंगा। अब मैं चलता हूं। एक जोकर दूसरे जोकर के पास जाएगा भी मदद मांगने। ठीक है।
ये कहाँ पे है? अस्सलाम वालेकुम नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आया कहाँ पे है? ये जा रहे हैं सलेबियों के पास मुलाकात के लिए। यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं? यहीं पर मीटिंग होने वाली है इसकी। मजा आएगा अगर इसकी गर्दन उड़ा दी तो। इसको ले जाओ, इसको टॉर्चर करो, इसको ले जाके। वाह बेटे बढ़िया है, एक नंबर। अफसल पाशा को लेकर जाते हैं। कहाँ पर?
मुझे लगता है अफसल पाशा अभी नुमान को निकालेंगे वहाँ से, शहजादे नुमान को, या उससे बात करेंगे। यहाँ से हम सीधा जाएं, वहाँ हमको अली का हाथ उठ के हाँ कर नजर आएगी। मेरा नाम ना है इसमें। गाइस ये था हमारा रिएक्शन ऑन डिडली सेथ्रिल सीजन 1 एपिसोड नंबर 37। बहुत ही बेहतरीन था, बहुत मजा आया देख के। अभी आगे क्या होगा, आगे वाला जो एपिसोड है वो तो एकदम धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि उसमें एर्थ्रल नासिर को पकड़ेंगे। अभी हमने थोड़ा सा रीकैप देखा नेक्स्ट एपिसोड का, तो उसमें एर्थ्रल इसको पकड़ेंगे नासिर को, और अफ्तालिया भी आएगी। अफ्तालिया मरी नहीं है, वो टाइटस के सामने आती है, और शहजादी हलीमा का निकाह होने वाला है आगे, और निकाह कबूल करेंगी नहीं करेंगी वो भी देखने वाला है। और काय कबीले में जैसे कि आज आपने देखा कि जो सलजान खातून थी उन्होंने झूठा इल्जाम लगाए उस पर, किस पे, आई किस पे लगाए, और उनको 30 कोड़ों की सजा मिली, और उनको कोड़े वो खुद मार रही थी। बहुत ही बेरहमी से बहुत बुरा लग रहा था भाई। और जो तुर्गुत है, तुर्गुत तो बिल्कुल ही काबू में आ चुके हैं उनके, अभी उनका पता नहीं क्या होगा, कैसे वो ठीक होंगे वो देखने वाला सीन है अभी। और एर्थ्रल अभी वापस जा रहे हैं हलक में, तो जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट एपिसोड में हलक में एर्थ्रल ये नासिर को पकड़ लेंगे, बड़ा मजा आएगा। नासिर की गर्दन उड़ाएंगे तो बहुत मजा आने वाला है। तो बहुत ही एक्साइटमेंट है नेक्स्ट एपिसोड की, तो हम जल्दी से जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में लेके आएंगे। एग्जैक्टली, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये एपिसोड, एंड एक नंबर था इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खुलासे हुए, एंड एक नंबर था, एंड सलजान ने भी बहुत सारे मतलब नाटक किए, उसको फंसाया आइकिस को, एंड उसको कोड़े दिए है ना, उसको मारा वो भी 30, एंड बहुत बेरहमी से, एंड दिलीप दमीर भी देख नहीं पा रहे थे उसको, एंड बहुत ज़्यादा बेरहमी से उसको कोड़े मारे जा रहे थे। सो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। यस, एंड जब गुंदुगदु को पता चलेगा कि उसका बच्चा नहीं रहा है, तो फिर बहुत ज्यादा वो सीन देखने वाला होगा। एंड एर्थ्रल भी अपने भतीजे के लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं ना,
सो वो भी देखने वाला होगा एंड बहुत ज्यादा इमोशनल सीन होगा जब पता चलेगा गुंडोगदू को एंड नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड. यस गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में. शाबाश, बाय बाय, टेक केयर, सी.